हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक छोटे बच्चे का हाफ़ स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत इजीली मैं आपको बनाना बताऊँगी और देखिए फ्रेंड्स विंटर सीजन में ये हाफ़ स्वेटर बहुत वार्म होती है छोटे बेबी को अगर आप अंदर से पहनाओगे तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें सेवनटी फंदे लिए हैं देखिए फ्रेंड्स मैं इस बॉर्डर को ग्यारह नंबर की नीडल में बुन रही हूँ अगर आपका हाथ ढीला है तो आप इसे बारह नंबर में भी बुन सकते हैं देखिए अभी हम बॉर्डर बुनेंगे ठीक है ग्यारह या बारह नंबर के निरल से उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम दस नंबर से बुनेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले सेवेंटी वन फंदे डालने के बाद देखिए ये हमारी बेसिक रो है तो बेसिक रो हमारी उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट होगी इस तरीके से और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका बॉर्डर बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी ये बेसिक रो कंप्लीट हो गई है अब देखिए हमें ये देखिए हमारी ये राइट साइड है और अब हमें क्या करना है इसका बॉर्डर रेडी करना है तो बॉर्डर आपको नॉर्मल जैसे एक उल्टा एक सीधे का बनाते हैं वैसे बनाएंगे देखिए एक फंदा उल्टा फिर धागा बैक करेंगे और एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा फिर धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हमें इस रो को कंप्लीट करना है और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर बनके तैयार होगा सेम ऐसे ही हमें बैक साइड में भी करना है जो हमारा राइट right साइड में सीधा फंदा है वो बैक साइड में उल्टा आएगा और जो राइट right साइड में उल्टा है वो बैक साइड में सीधा ऐसा बुनते हुए फ्रेंड्स हमें बारह लाइन्स का इसका बॉर्डर रेडी करना है देखिए बॉर्डर आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं देखिए मैं बारह लाइन्स बॉर्डर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है देखिए मैंने बारह लाइन्स है ठीक है अगर हम इसे इंच में नापेंगे तो ये देखिए ये देखिए ये डेढ़ इंच के करीब है ठीक है तो आप देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है अब हमें ये देखिए सिलाई चेंज करनी है ठीक है अभी तक हम क्या कर रहे थे ग्यारह नंबर की सिलाई से बुन रहे थे आप हमें ये देखिए दस नंबर की सिलाई से बुनना है तो देखिए अब हमें क्या करना है ये देखिए इस तरीके से ये राइट साइड है हमारा तो हम इस तरीके से सीधा सीधा बुनेंगे ये देखिए राइट साइड से हमें सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से हमें उल्टा बुनके इसे कंप्लीट करना है देखिए फ्रेंड्स हम इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ये छोटे बेबी के लिए बनाना है तो जितना हम इसको उल्टा और सीधा बुनेंगे तो ये उतना ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा तो इसी तरीके से देखिए हम इसका लेंथ कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये राइट साइड है तो राइट साइड से हमें इसे सीधा सीधा उनके कंप्लीट करना है देखिए फ्रेंड्स हमारी ये राइट रो कंप्लीट हो गई है अब हमारी बैक रो आ गई है देखिए अब हमें क्या करना है इस साइड भी सिलाई चेंज करनी है तो ये देखिए हमारी दस नंबर की सिलाई है अब हम इसे लगाएंगे अब देखिए बैक साइड है तो बैक साइड से हमें इसे इस तरीके से देखिए उल्टा बुनना है ये देखिए राइट साइड से सीधा और बैक साइड से उल्टा बुनते हुए हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमें इसे आम तक बुनना है यानी कि बगलों तक बुनना है देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ सेम ऐसा ही आपको बोलना है बैक साइड से उल्टा और राइट साइड से सीधा देखिए फ्रेंड्स हमारी स्वेटर ये बगल तक बन के रेडी हो गई है अब देखिए मैं आपको इसका मेज़र करके दिखाती हूँ ये देखिए ये हमारा साढ़े आठ इंच के करीब है देखिए फ्रेंड्स डेढ़ इंच हमारा बॉर्डर था और सात इंच हमने इससे ऊपर बनाया है और अगर आप इसकी लाइंस काउंट करेंगे तो ये सिक्सटी लाइंस हैं देखिए फ्रेंड्स अब हमें इन सत्तर फंदों को दो पार्ट में डिवाइड करना है और एक फंदा बीच में रखना है तो देखिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पैंतीस पैंतीस फंदे होंगे तो पैंतीस में से हमें क्या करना है पहले हमें बगल की घटाई करनी है तो हम चार फंदे घटाएंगे दो का एक करते हुए तो देखिए दो का एक एक फंदा घट गया फिर से दो का एक दो फंदे घट गए फिर से दो का एक तीन फंदे घट गए और फिर से दो का एक करेंगे चार फंदे घट गए हमारे ये देखिए फ्रेंड्स पैंतीस में से चार फंदे घट गए हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है इसे थोड़ा सा ढीला ही हमें घटाना है अब देखिए एक फंदा ये है अब हम क्या करेंगे तीस फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे देखिए फ्रेंड्स पैंतीस फंदे ये हैं और पैंतीस फंदे इधर है क्योंकि हमारे सेवेंटी फ़ंदे थे एक फंदा हमारा सेंटर में होगा तो देखिए मैं इधर के भी आपको गिन के दिखाती हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तेतीस चौंतीस और पैंतीस ठीक है ये सेंटर वाला फंदा है तो देखिए फ्रेंड्स इसे हम आपके पास कोई भी मार्कर हो आप इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स धागे में भी आप इसको अलग से रख सकते हैं इस तरीके से देखिए ऐसे धागे में डालेंगे और इसे इस तरीके से आप नोट लगा लेंगे ये देखिए ठीक है अब हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड्स बैग्स ये दोनों हम साथ बुनेंगे ठीक है अगर जब हम दोनों साथ बुनेंगे तो हमें जैसे फंदे हम घटाएंगे तो फिर इक्वल फंदे हमारे घटेंगे देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों साथ बनाऊंगी ठीक है ये और इजी होता है देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमें इसके लिए धागा अटैच करना होगा तो ये देखिए इस तरीके से ये देखिए धागा ले लेंगे हम ये देखिए इस तरीके से हम धागा अटैच कर लेंगे ये देखिए और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से बांध भी लेंगे ये देखिए और देखिए इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स हमारी ये राइट रो कंप्लीट हो गई है आप देखिए हमारी बैक रो आ गई है देखिए फ्रेंड्स बैक रो में हमें क्या करना है देखिए जैसे हमने चार फंदे इस साइड से घटाए थे सेम वैसे ही चार फंदे हमें इस साइड से भी घटाने हैं ये देखिए दो का एक करते हुए देखिए इसमें हम ये बैक साइड है तो हम इसमें ऐसे उल्टे करके चार फंदे घटाएंगे एक दो तीन चार देखिए फ्रेंड्स ये चार फंदे घट गए अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते उल्ट जाएंगे सेंटर तक देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर वाला फंदा है और इससे पहले जो दो फंदे हैं इन इनका दो का एक करेंगे ऐसे ये देखिए दो का एक करेंगे इस तरीके से फिर ये हमारा सेंटर वाला फंदा है और अब हम इस साइड भी ये देखिए दो का एक करेंगे जैसे फंदे हम यहाँ घटाएंगे वैसे ही फंदे हम यहाँ भी घटाएंगे तो हम बैक रो में ये देखिए दो का काई करते हुए जाएंगे और राइट रो में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ठीक है बगलों में हम फंदे घटाएंगे जब तक हमें फंदे घटाने हैं लेकिन हम सेंटर में बैक साइड में ही फंदे घटाएंगे बैक साइड में ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है फिर से हमारी राइट रो आ गई है अब देखिए हमें क्या करना है देखिए पहले हमने चार फंदे घटाए थे अब हम तीन फंदे घटाएंगे ये देखिए इस तरीके से तीन फंदे घटाएंगे एक दो तीन और फिर बाकी रो हम सीधा सीधा उनके कंप्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी ये राइट रो कंप्लीट हो गई है अब देखिए हमारी बैक रो आ गई है देखिए बैक रो में हमें यहाँ पे फिर से तीन फंदे घटाने हैं ये देखिए एक दो तीन तीन फंदे घट गए अब हम बैक रो को उल्टा उल्टा, उल्टा, उल्टा के कंप्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स अब हमारा सेंटर आ गया तो यहाँ पे हम फिर से दो करेंगे ये देखिए अब इस साइड भी हमें दो करना है ये देखिए इस साइड का धागा हमारा अलग है तो इस वाले धागे को यूज करेंगे ये देखिए अब बाकी रो उल्टा उल्टा उनके कंप्लीट होगी देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है अब देखिए फिर से हमारी राइट रो आ गई है देखिए पहले हमने चार फंदे घटाए थे फिर तीन फंदे घटाए थे अब हम यहाँ पे दो फंदे घटाएंगे ये देखिए एक और दो दो फंदे घट गए फिर बाकी रो हमारी सीधी सीधी जाएगी देखिए फ्रेंड्स हमारी राइट रो कंप्लीट हो गई है फिर से हमारी बैक रो आ गई है अब देखिए हमें यहाँ पे चार तीन आप दो फंदे घटाने हैं तो देखिए हम इस तरीके से दो फंदे घटा लेंगे एक और दो देखिए फ्रेंड्स हमारे दो फंदे घट गए ये देखिए इस तरीके का हमारा ये बगल का फंदा घट के रेडी हो गया ठीक है अब हम इस रो को उल्टा उल्टा उनके कंप्लीट करेंगे और जैसे सेंटर आएगा तो फिर हमें दो का एक करते हुए जाना है देखिए फ्रेंड्स हमारा सेंटर आ गया है फिर से हम यहाँ पे दो फंदों का एक करेंगे ऐसे और इस साइड भी हमें दो का एक करना है ये देखिए और बाकी रो हमारा उल्टा उल्टा, उल्टा उनके कंप्लीट होगी देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है फिर से राइट रो आ गई है कि देखिए अब हमारे सारे फंदे इसमें घट गए अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना हमने यहाँ पे चार घटाए थे फिर तीन घटाए थे फिर दो घटाए थे ठीक है अब हम देखिए यहाँ से सीधा बुनते हुए जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही बुनते हुए हमें इस हाफ स्वेटर की लेंथ कंप्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का हमारा ये वी शेप आ रहा है तो हम देखिए हर बैक रो में हम दो दो का एक करते जाएंगे जाएँगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे हमें घटाना है और तब तक हमें घटाना है जब तक हमारे यहाँ पे चौदह फंदे ना रह जाए ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट करके बस आपको कुछ भी नहीं करना है आपको राइट साइड से सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से आपको ये देखिए बिल्कुल साइड में दो का एक दो का एक करते हुए जाना है तो ये आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तब तक आपको घटाना जब तक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह आपके चौदह फंदे ना रह जाएँ ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स मैं इन्हें घटा के फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स फंदे घटाते हुए हमारे चौदह फंदे बचे हैं ठीक है और देखिए अभी हमारा ये इस तरीके का बन के रेडी हुआ है ठीक है अभी हमें थोड़ा सा इसे और बुनना है देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से मेज़र करके दिखाती हूँ वैसे हमारे यहाँ से फंदे घटाए हैं लेकिन हम यहाँ से इसे मेज़र करेंगे ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अभी ये तीन इंच है हम इसे चार इंच बनाएंगे ठीक है तो अब हमें प्लेन बुनना है यहाँ पे अभी हमें कोई फंदे नहीं कटाने हैं देखिए चार इंच हमें इसको बना के रेडी करना है तो देखिए फ्रेंड्स मैं चार इंच रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारा ये चार इंच बन के रेडी हो गया है ये देखिए मैं यहाँ से आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ ये देखिए अब हमारा ये इस तरीके का दिख रहा है ये देखिए आपको भी इसे इसी तरीके से रेडी करना है अब हम इसका बैक वाला पार्ट बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट सेम ऐसे ही बनाना है आपको ठीक है पहले हमें यहाँ से फंदे डालने हैं उसके बाद इतना ही हमें बॉर्डर रेडी करना है और उसके बाद हमें यहाँ से फंदे भी इसी तरीके से घटाने हैं जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में घटाया है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है जैसे इसमें हमने गला निकाला उसमें हमें पूरा प्लेन बुनना है साथ तो देखिए फ्रेंड्स ये बैक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारा बैक वाला पार्ट भी बनके रेडी हो गया है ये देखिए इसका बगल से ऊपर भी हमने बना के रेडी किया है देखिए ये यहाँ से ऊपर चार इंच है ठीक है तो आप देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है देखिए ये हमारा फ्र आगे वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है तो अब हमें क्या करना है ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे हम रखेंगे ठीक है ये दोनों हम ये भी बाहर को होगा बैक साइड और इसका बैक साइड बाहर को होगा उसके बाद देखिए हमें क्या करना है देखिए जितने इसमें फंदे हैं चौदह फंदे हमें साइड के डबल सिलाई में घटाने हैं यानी कि हमें तीसरी सिलाई की हेल्प लेके इसके चौदह फंदे घटाने हैं तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो हमें यहाँ तक फंदे घटाने हैं तो यहाँ पर हम कोई भी मार्कर लगा लेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का कोई भी धागा आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से डाल लीजिए देखिए इसे हम यहाँ पे बांध देंगे ये देखिए और अब हमें इस तरीके से तीन का एक करते हुए ये फंदे घटाने हैं देखिए एक फंदा दो फंदे हम बैग सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे और ये देखिए इस तरीके से ये देखिए तीन का एक करेंगे फिर सारे फंदे निकालेंगे फिर से ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे ही हमें ये सारे चौदह फंदे जो हमारे हैं ये घटा लेने हैं ये देखिए जो फंदा आएगा बैक स्लाई में डालेंगे बैक स्लाई से एक फंदा उठाएंगे उसके बाद तीन का एक करेंगे ऐसे फिर से जो फंदा आया बैक स्लाई में डालेंगे यहाँ से एक फंदा उठाएंगे एक फंदा आगे से उठाएंगे तीन का एक करेंगे ऐसे फिर से जो फंदा आएगा बैक सिलाई में डालेंगे एक फंदा बैक स्लाई से एक फंदा आगे वाली सिलाई से ये देखिए इस तरीके से फिर से एक फंदा बैक सिलाई से उठाएंगे और एक फंदा आगे वाली से ये देखिए इस तरीके से हमें ये सारे फंदे घटाने हैं देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे फंदे घट गए हैं अब हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे ये देखिए ये देखिए अब हमारा ये इस तरीके का बन के रेडी हो गया है ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है जो हमारे ये फंदे हैं और यहाँ के हमारे बा चौदह फंदे हैं इन्हें हमें एक सुई की हेल्प से धागे में रख लेना है या आपके पास अगर सेप्टिक पिन है बड़ी वाली तो आप उसमें भी इसे अटैच करके रख सकते हैं तो देखिए कैसे करना है देखिए फ्रेंड्स पहले हम इन चौदह फंदों को देखिए इस तरीके से हमने सुई में धागा डाल लिया अब ऐसे रख लेंगे हम एक एक करके देखिए केयरफुली आप एक एक फंदे इस तरीके से उठा लीजिए और ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम इन्हें यहाँ पे रख के यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ऐसे ये देखिए बाकी एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे अब देखिए फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ से फंदे उठाते हुए जाना है ठीक है ये देखिए यहाँ से हम फंदे उठाते हुए जाएंगे और हमें यहाँ तक फंदे उठाने हैं ये देखिए तो देखिए कैसे उठाने हैं देखिए फ्रेंड्स इस धागे को हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें ये फंदे घटाने के लिए चाहिए तो हम यहाँ से नया धागा अटैच करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल साइड में आपको ये देखिए इस, इस तरीके से मैंने नोट लगा ली इस तरीके से हम चालीस फंदे उठाएंगे ये देखिए एक फंदा उठ गया बिल्कुल साइड साइड में आपको इस तरीके से उठाने ये देखिए दो तीन चार देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें फंदे उठाने हैं अगर हमारे चालीस फंदे अगर ना उठ पाएँ तो हम बैक रो में जो फंदे बचेंगे तो हम बैक रो में उन्हें उठा सकते हैं तो ऐसे ही हमें ये सारे फंदे उठाने हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको सेंटर तक ये फंदे उठा के दिखाती हूँ कि कितने फंदे उठे हैं देखिए फ्रेंड्स मेरे इस साइड से अड़तीस फंदे उठे हैं तो मैं बैक रो में दो फंदे इसमें बढ़ा लूँगी ठीक है अब हमें क्या करना है जो ये सेंटर वाला फंदा था इसे हमें इस तरीके से ये देखिए सलाई में ले लेना है और देखिए हमें क्या करना है अब इस इस साइड भी हमें फंदे उठाने हैं देखिए जैसे ही हमने इस साइड उठाए उठाए चालीस फंदे वैसे हमें इस साइड भी उठाने हैं देखिए इस तरीके से हम उठा लेंगे ये देखिए बिल्कुल साइड साइड में आपको फंदे उठाने हैं देखिए फ्रेंड्स इस साइड से हमारे उनचालीस फंदे उठे हैं तो एक फंदा मैं बैक साइड से उठा लूँगी मतलब आपको चालीस यहाँ चालीस यहाँ और एक फंदा आपका सेंटर में है और देखिए अब हम ये बीच वाले फंदे जो देखिए बैक साइड के फंदे हैं इन्हें बुनेंगे ये देखिए इसी के साथ हम इन्हें अटैच करते हुए बुनेंगे अगर यहाँ पे आपको गैप लग रहा है तो आप यहाँ पे एक फंदा बढ़ा सकते हैं ये देखिए इस तरीके से ये देखिए और बाकी फंदे हम यहाँ से सीधे सीधे बुनेंगे देखिए फ्रेंड्स अब हम चौदह फंदे सिलाई सुई में रखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह देखिए दो फंदे और बच्चे यहाँ पे ये यह देखिए अब ये फंदे हम सुई में रखेंगे ये देखिए इस तरीके से एक एक करके हम इन्हें सुई में रख लेंगे ये देखिए और इसको हम यहाँ पे बांध देंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे यहाँ से ये देखिए अब हमारी बैक रो आ गई है ठीक है यहाँ से हमें बॉर्डर बनाते हुए जाना है और जहाँ यहाँ पे हमारे दो फंदे कम हैं यहाँ एक फंदा कम है तो हम ये जहाँ पे गैप होगा वहाँ पे बढ़ाते हुए जाएंगे देखिए फ्रेंड्स अब हमारा बैक रो है तो बैक रो से हमें क्या करना है बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है ठीक है तो ग्यारह नंबर की सिलाई से हम बॉर्डर बना रहे हैं तो देखिए एक उल्टा एक सीधा का हमें बॉर्डर बनाना है और देखिए फ्रंट साइड में जितने भी फंदे कम हैं तो वो हम अभी बैक साइड में बढ़ा लेंगे जहाँ पे भी आपको आपके फंदे कम हैं क्योंकि दोनों साइड से हमें चालीस चालीस फंदे रखने हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है ये देखिए ये मैंने सिक्स लाइन का बना के कम्प्लीट किया है और ये सेवन रो है तो सेवन रो में मैं ये फंदे घटा रही हूँ तो देखिए फंदे कैसे घटाने हैं हमें दो का एक करते हुए फंदे घटाने हैं इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स नॉर्मल फंदे आपको घटाने ना आपको ज़्यादा टाइट घटाने और ना ही ज़्यादा ढीले घटाने ठीक है इस तरीके से देखिए दो का एक करते हुए हम ये सारे फंदे घटा लेंगे देखिए फ्रेंड्स मैं ये सारे फंदे घटा के और दूसरी साइड का भी सेम ऐसा ही बना के फिर आपको दिखाती हूँ देखिए सेम ऐसा ही मैं सेकंड साइड भी बना के फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है ये देखिए ये देखिए सेम बॉर्डर बन के रेडी हुआ है देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम इस साइड से देखिए हमने धागा रखा था तो ये धागा हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे ऐसे और अब हम इधर से सिलाई स्टार्ट करेंगे ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें मिलाते हुए सिल के जाना है इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर में हम इसे बहुत अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप एक दो नोट भी लगा लीजिए और जितने भी एक्स्ट्रा धागा आप इनको इस तरीके से दबा लीजिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे मिलाते हुए सिलेंगे देखिए हमें बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए ऊपर को सिलाई करनी है इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप ले ले लीजिए आप और उसके बाद आप इसे सिलते रहिए ये देखिए अब यहाँ पे हम नोट भी लगा लेंगे एक ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिलाते हुए देखिए यहाँ तक सिलेंगे ठीक है यहाँ तक हमें इसे सिलना है तो देखिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाते हुए देखिए दोनों पार्ट हमने बिल्कुल बराबर बनाए हैं तो ये देखिए बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं हैं फिट हैं तो इस तरीके से अब हम इन्हें बीच बीच में नोट लगाते हुए पूरी सिलाई कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सिल गया अब हम इसको ये देखिए धागा थोड़ा हम अंदर डालेंगे जिससे कि ये देखिए ना ये देखिए इस तरीके से हमने डाल लिया और यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागा ये देखिए कट कर लेंगे ये देखिए और यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा धागा है ये देखिए जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा धागे दिखते हैं तो आप उन्हें कट कर लीजिए देखिए फ्रेंड्स सेम ऐसा ही मैं आपको सेकंड साइड से भी सिल के दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स इस तरीके की हमारी ये स्वेटर बन के रेडी हुई है अब हम इसको सीधा करेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके की हमारी ये स्वेटर बन के रेडी हुई है ये देखिए बहुत सुंदर ये देखिए इस तरीके का हमारा है। जो बगल है वो बने हैं ये देखिए बहुत सुंदर बगल बन के रेडी हुए हैं देखिए फ्रेंड्स पहनने के बाद इसका लुक बहुत सुंदर आता है और ये देखिए इसकी गले की फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आई है ये देखिए और ये देखिए इस तरीके का इस स्वेटर बन के रेडी हुआ है देखिए फ्रेंड्स ये स्वेटर दो से तीन साल के बेबी को इजीली आ जाएगा ये देखिए देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर स्वेटर बनके रेडी हुआ है देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये स्वेटर पसंद आई और बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू